जय हिंद, वेलकम टू ऑल। हम लोग कर रहे थे ब्रांड डिजाइन क्लास और इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट किए थे कोडेड रिलेशनशिप। आज इसको कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। ये वाला लास्ट फॉर्म है, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। यस, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कोडेड रिलेशनशिप में जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन। यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका हम बनाएंगे फैमिली ट्री और जो पूछा गया है उसका देंगे हम आंसर। यानी आपको जो फाइंड करना है ये इसको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए P गुना Q है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा P गुना Q यानी गुना के फॉर्म में है कहाँ पे। तो यहाँ देखिए A गुना B दिया हुआ है यानी A इंटू B दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, A इज सिस्टर ऑफ B, तो सिंपल सी बात है P इज सिस्टर ऑफ Q। P बहन है किसकी, Q की। P बहन है किसकी, Q की। लीजिए हो गया। उसके बाद क्या है, Q माइनस R, तो देखना पड़ेगा माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है। A माइनस B का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B यानी Q इज डॉटर ऑफ R। Q इज डॉटर, Q डॉटर है तो इसको बंद कीजिए सर्कल में, किसकी बेटी है, R की। हो गया। उसके बाद क्या है, R प्लस S। R प्लस S का मतलब क्या है, यहाँ पर A प्लस B का मतलब है A इज फादर ऑफ B यानी R इज फादर ऑफ S। R इज फादर ऑफ S, आर पिता हैं, तो ट्रायंगल बंद करेंगे, किसके पिता हैं, तो एस के पिता हैं। तो ये हो गया कंप्लीट फैमिली ट्री, बस इतना ही बनाना था आपको। अब पूछा क्या गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस यानी हु इज पी, पी कौन है, किससे संबंध दिखाना है, एस से दिखाना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में है तो भाई बहन रिलेशन होगा डेफिनेटली, ये लड़की है तो बहन होने वाली है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई थिंक यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है और पीछे हम लोग इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब इस तरह क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ एस विद पी यानी एस का पी से क्या संबंध है, यहाँ एस का पी से क्या संबंध है। देखिए तो एस के बारे में आप एक बार जान रहे हैं कि इसका जेंडर नहीं मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है कि मेल है या फीमेल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा ड्रॉ हम लोग नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर फैमिली ट्री इसका कुछ ऐसा नहीं बना पाए हैं इसमें इसका जेंडर हमको मालूम चल रहा है। ठीक है, ये मेल है या फीमेल हम नहीं जानते हैं, तो बस अपने मन से कुछ आंसर नहीं दे सकते हैं। तो एस क्या हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है पी का या बहन भी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है इधर ब्रदर और सिस्टर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड है यानी फर्स्ट हम लोग फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा नंबर है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, एम डिवाइड बाई एन। अब डिवाइड का मतलब क्या है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी यानी एम इज हस्बैंड ऑफ एन यानी एम का शादी कराना होगा एन से, तो एम हस्बैंड है ना, एम इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर एम हस्बैंड है तो इसको करेंगे ट्रायंगल के अंदर बंद, और किसकी, किसका हस्बैंड है, एन का हस्बैंड है। दीजिए इन दोनों का शादी करा दिए। ओके, अब क्या है, एन माइनस आर। एन माइनस आर का मतलब होगा क्या, A माइनस बी का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B यानी N इज डॉटर ऑफ R, N इज डॉटर ऑफ R यानी N पुत्री किसकी है, R की। ओके, नेक्स्ट क्या है, R प्लस P। R प्लस P का मतलब क्या होगा, A इज फादर ऑफ B यानी R इज फादर ऑफ P, R इज फादर ऑफ P, R पिता है किसके, P के। तो P बिल्कुल इसी स्टेट लाइन में बनेगा, इसी लाइन में आएगा। ओके, तो देखिए कि निकालना क्या है, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम का पी से क्या संबंध है, ये दिखाना है ना। ठीक है, यानी हु इज एम किसके साथ, पी के साथ। तो देखिए ये हस्बैंड वाइफ, ये हो गई बहन की तरफ से, तो डेफिनेटली ये जो होने वाले हैं ये होंगे जीजा। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सिस्टर के साइड में है। देखिए ये लड़की औरत है, इनकी वाइफ है, इनके पिता हैं, और ये हो सकते हैं इनके भाई या बहन जो भी हो, तो डेफिनेटली ये जो होने वाले हैं ये जीजा होने वाले हैं। ऑल राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रदर इन लॉ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। डेफिनेटली सेम टू सेम वही है, बस यहाँ सिंबल बदल गया है, वहां था प्लस माइनस गुना और डिवाइड का, यहाँ पे है डॉलर हस एट द रेट और परसेंटेज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम ड्रॉ करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका, आपको जो दिया हुआ है आपको करना क्या होगा, इसका बनाना होगा फैमिली ट्री। ओके, एफ टी इसका करना होगा और इसका देना होगा आपको आंसर। तो स्टार्ट करते हैं, पी एट द रेट क्यू। एट द रेट का मतलब क्या है, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज वाइफ ऑफ पी। देखिए यहाँ पे पहले क्यू के बारे में बोल दिया गया है, क्यू पत्नी है,
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, यानी पी इज हस्बैंड ऑफ, अगर हम सीधा पढ़े इसको तो क्या पढ़ेंगे, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, यानी पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या हुआ, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी पी हस्बैंड है, तो इसको बंद कीजिए ट्रायंगल के अंदर, किसका हस्बैंड है, क्यू का, इन दोनों का शादी करा दीजिए, हो गया ना, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, एकदम इस पे बेस्ट। ओके नेक्स्ट क्या है, क्यू एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब क्या है, ए एट द रेट नहीं है, डॉलर है, सॉरी फॉर दैट, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम का मतलब क्या है, यहाँ पी डॉलर क्यू का मतलब है पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी क्यू इज मदर ऑफ एम, क्यू इज मदर ऑफ एम, ओके, क्यू माता है एम की, हो गया। यहाँ पे हैस का मतलब क्या है, यहाँ पे है पी हैस क्यू का मतलब है पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी एम इज फादर ऑफ टी, एम इज फादर ऑफ टी, ये टी के पिता है, लीजिए हो गया, बन गया ये आपका कंप्लीट फैमिली ट्री। तो निकालना क्या है, रिलेशन रिलेशन निकालना है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, यानी हु इज पी, पी कौन है और टी से संबंध दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हस्बैंड वाइफ हैं, इनका बेटा है और बेटा का ये बेटा या बेटी होगी, ठीक है, तो यानी हु इज पी, तो ये पी तो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दादाजी होंगे, ये पिताजी, पिताजी का पिताजी हो जाएंगे दादाजी, ओके, ये दादाजी हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आप किए हैं अब तक पजल फॉर्म में उसी तरह से सेम टू सेम ये सॉल्व होता है, बस जो ये इक्वेशन है और ये जो कंडीशन है कि डॉलर का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, बस इसके अकॉर्डिंग आप फिट करते जाइए और आपका फैमिली ट्री रेडी हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी ये क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड, दूसरा का सेकेंड नंबर, ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। पी एट द रेट डी, यहाँ एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, क्यू इज वाइफ ऑफ पी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ओके, अकॉर्डिंग टू, ये देखिए यहाँ पर पहले पी दिया हुआ है ना, तो पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, हस्बैंड वाइफ बोलिए या वाइफ हस्बैंड बोलिए, तो पी एट द रेट डी, यानी पी इज हस्बैंड, पी सॉरी एफ इज हस्बैंड है, यहाँ पे एफ है, ये एफ हस्बैंड है किसके, ये हस्बैंड है डी के, ओके, इन दोनों का शादी करा दीजिए, हो गया शादी। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब है पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यानी डी इज डॉटर ऑफ के, डी इज डॉटर ऑफ के, ओके, ये के की पुत्री हो गई। ऑल राइट, के हस एच, यहाँ हैस का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी के इज फादर ऑफ एच, के इज फादर ऑफ एच, लीजिए इसी स्ट्रेट लाइन में आएगा, ओके, तो अब दिखाना क्या है, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, यानी हु इज एफ, एफ कौन है, किससे संबंध दिखाना है, एच से, डेफिनेटली ये इसके जीजाजी होने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सारे पैटर्न है आपके एग्जाम के, इससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना विश्वास कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होने वाला है, ओके। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है, ये सेकंड का तीसरा नंबर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ क्या है, जी हैस एम, हैस का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी जी इज फादर ऑफ एम, जी इज फादर ऑफ एम, ओके बन गया। नेक्स्ट क्या है, एम एट द रेट एन, यहाँ एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे था पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो यहाँ पढ़ेंगे एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, ओके, एन इन दोनों का शादी कराइए, एम एन का शादी हो गया, ऑलराइट शादी हो गया। अब परसेंटेज है यहाँ पे एन परसेंट टी, परसेंट का मतलब क्या है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यानी एन इज डॉटर ऑफ टी, एन इज डॉटर ऑफ टी, ओके, चलिए ये इसका बेटा है, बेटा की वाइफ है और इस वाइफ का ये पेरेंट्स हैं, ओके, यहाँ पे देखिए टी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ये मेल है या फीमेल है, माता है या पिता है, कुछ नहीं बोला गया है, तो कुछ करेंगे भी नहीं, तो निकालना क्या है आपको, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है, ये बेटा के ससुर या सास होंगे, समझ रहे ना बात को, तो डेफिनेटली अगर इनके बारे में डायरेक्ट इनसे दिखाया जाए तो ये समधी होंगे, समधी, समधी या समधन, लेकिन समधन नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बारे में पूछा गया है और ये मेल हैं, तो बिल्कुल ये होंगे समधी, ओके, लेकिन अगर यहाँ पे जाते आप, अगर इसके बारे में पूछता हाउ इज जी, हाउ इज टी रिलेटेड टू जी,
हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, तो यहाँ पर संधि या समझौता, ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, काफी सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है ये, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बट पैटर्न अलग है भाई, ये आपका नेक्स्ट पैटर्न है। पैटर्न के अकॉर्डिंग करना क्या है आपको, ये तो टर्म एंड कंडीशन आप समझ चुके हैं कि किसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे दिखाना है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, यहाँ पर आपको दिखाना है कि सी ए का पोता है, इसमें से कौन सा इक्वेशन वेरीफाई करेगा और सही होने वाला है। तो ये भी एक पैटर्न है, इस पर बेस्ट भी क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो कंडीशन है तो आप समझ चुके हैं, पर यहाँ पर जो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप इसमें अपना समय कैसे बचा सकते हैं, तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप पहले जेंडर फाइंड कर लो, सी है क्या, मेल है या फीमेल। तो यहाँ दिखाया है सी ए का पोता है, पोता किसको बोलते हैं, लड़का को बोलते हैं। चलिए तो सी आपको मालूम हो गया कि ये लड़का है, क्या है ये लड़का है, ये मेल है। तो सबसे पहला बात, आप ऑप्शन में जहां जहां सी दिखता है आप पहले ये सोच लीजिए, ये फाइंड कर लीजिए कि सी होगा क्या, मेल है, मेल होगा या फीमेल। जहां जहां फीमेल दिखता है उसको हटा दीजिए, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए सी परसेंटेज डी पहला काम क्या है, हमको जेंडर फाइंड करना है, मेल है या फीमेल। तो देखिए यहाँ परसेंटेज है कहाँ पे, यहाँ पे है पी परसेंटेज क्यू, का मतलब है पी इज डॉटर यानी सी इज डॉटर, ये तो फीमेल हो गया, बात बनेगा नहीं, कैंसिल कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ है सी डॉलर डी का मतलब क्या है, पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी पी मदर हो गया यानी सी मदर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फीमेल, तो ये भी नहीं हो सकता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी में देखिए सी एट द रेट डी का मतलब क्या है, पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज वाइफ ऑफ पी, यानी पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, उल्टा लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पी इज हस्बैंड, यानी सी इज हस्बैंड ऑफ डी, यानी ये हो गया मेल। समझ रहे हैं बात को, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, ये आपका मेल आ गया, यानी इस ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी से और ड्रॉ करते हैं फैमिली ट्री। आपको दिखाना क्या है कि सी ए का पोता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए ए हैज बी, हैज का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ओके, ये बी के पिता हो गए। बी हैज सी, यानी बी इज फादर ऑफ सी हो जाएगा, बी इज फादर ऑफ सी हो गया, बी इज फादर ऑफ सी। सी एट द रेट डी, यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एट द रेट में उल्टा पढ़ना था, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी सी इज हस्बैंड ऑफ डी, ओके, सी इज हस्बैंड ऑफ डी, इसका शादी करा दीजिए डी से, ये लीजिए शादी हो गया। डी डॉलर ई, ओके, डी डॉलर ई में क्या आ जाएगा, पी इज मदर ऑफ क्यू, ये डॉलर नहीं है, सॉरी क्या है, हाँ डॉलर है, यही होगा यहाँ पर, पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी यहाँ पर डी इज मदर ऑफ सी, खैर इसका जरूरत नहीं था, आपको चाहिए क्या था, सी और ए के बारे में जानकारी चाहिए था, तो ये रहा सी और ये रहा ए। सी ए का पोता है, देखिए ए इसका बेटा, बेटा का बेटा, डेफिनेटली ये इसका पोता होगा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिए और ये चेक कर लीजिए, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ओके। तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका पोता, ठीक है, बेटा का बेटा, ठीक है, बेटा का बेटा ये हो गया, ये पोता हो गया, इसके लिए दादाजी हो जाएंगे, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैटर्न है जिसपे आपका क्वेश्चन आता है। तो बस सिंपल सी बात है, आप पहले फाइंड करेंगे जेंडर। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड है, इसमें है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ डी, यानी ए कौन है, ए सिस्टर है, यानी ए जो है ये फीमेल है। तो सबसे पहला बात, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, छांटना होगा भाई कि ए कहाँ कहाँ पे फीमेल है और कहाँ पे मेल है, पर जहाँ पे फीमेल लिख जाए वहीं से स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है, एट द रेट यहाँ पे है, इसका मतलब है पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, उल्टा है ना भाई, तो पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी यहाँ पर ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये तो हस्बैंड है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये तो मेल हो गया। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, एट द रेट बी, ए सॉरी एट द रेट नहीं है, हैश है, हैश का मतलब क्या है, पी इज फादर ऑफ क्यू, ये
पी ए इज फादर ऑफ बी, ये भी मेल हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए। ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, सी डॉलर डी। सी डॉलर डी का मतलब क्या है, डॉलर यहाँ पे है ना, हाँ यहीं पे है। पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी सी इज मदर ऑफ डी, यहाँ पे फीमेल हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यानी ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ओके डॉटर हो गई, ए डॉटर हो गई किसके, बी का, ओके। नेक्स्ट क्या है, बी एट द रेट सी, एट द रेट यहाँ पे उल्टा पढ़ना है इसको, यानी पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, इसका शादी कराइए सी से, ओके। सी डॉलर डी, सी डॉलर डी का मतलब क्या है, यहाँ पर पी इज मदर ऑफ क्यू, यानी सी इज मदर ऑफ डी, सी इज मदर ऑफ डी, ये डी की माता है, यहाँ पे डी बनेगा भाई, ये डी है, ओके ये डी है आपका, ओके। अब क्या है, डी हैज ई, हैज कहाँ पे है, इसका मतलब है पी क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी डी इज फादर ऑफ ई, डी इज फादर ऑफ ई, डी इज फादर ऑफ ई, ओके। तो ये कंप्लीट आपका फैमिली ट्री बन गया। तो दिखाना क्या है आपको, ए इज सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, लीजिए ये हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटी और ये बेटा, ये दोनों भाई बहन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन है, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बहन दिख रही है, ये इसकी बहन है ना, देन ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी दिख गया आपको यहाँ पर, ये देखिए ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटा है, हस्बैंड वाइफ है यानी ये माता पिता हो गए, इसका ये बेटा है ये बेटी है, तो भाई बहन का रिलेशन रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है फोर, ओके ये है आपका नेक्स्ट पैटर्न, और बिल्कुल यहाँ पे सॉरी ये आपका पिछले पैटर्न पर क्वेश्चन है, अभी हम इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट पैटर्न पे आएगा, यानी जितने भी पैटर्न बनेंगे इस पर वो सब कुछ आज डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है, पी इंटू आर, यानी पी गुना आर है, तो गुना का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, एम गुना एन का मतलब है एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, यानी पी इज हस्बैंड ऑफ आर, पी इज हस्बैंड ऑफ आर, तो पी का शादी कराइए आर से, कर लीजिए शादी आप लोग, हो गया शादी, ओके। यहाँ डिवाइड है आर डिवाइड टी, आर डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है, एम डिवाइड एन का मतलब है एम इज डॉटर ऑफ एन, यानी यहाँ पर आर इज डॉटर ऑफ टी, आर इज डॉटर ऑफ टी, हो गया आर इज डॉटर ऑफ टी, ओके। आर प्लस एस का मतलब क्या है, एम प्लस एन का मतलब है एम इज ब्रदर ऑफ एन, यानी टी इज ब्रदर ऑफ एस, टी इज ब्रदर ऑफ एस, ओके एस का है भाई, हो गया, ओके। उसके बाद क्या है, एस डिवाइडेड यू, डिवाइड का मतलब क्या है, एम इज डॉटर ऑफ एन, यानी एस इज डॉटर ऑफ यू, एस इज डॉटर ऑफ यू, यानी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये है इसका कंप्लीट फैमिली ट्री, ओके। आपको दिखाना क्या है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाना क्या है, तो हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू का पी से क्या संबंध है। अब देखिए ये इसकी वाइफ है, वाइफ के पिता हैं, ओके, और ये बहन है, बहन के, ये बहन के साइड से अगर देखते हैं, बहन के साइड से या भाई के साइड जो भी होंगे, यहाँ पे तो कुछ दिखाया नहीं गया है, ये भाई बहन हो सकता है, इसका जेंडर आपको नहीं मालूम है, ओके। अगर बहन हुई तो फुआ, और फुआ के साइड से चलिएगा तो इनके ऊपर जो जाएगा ये इनके माता पिता, यानी अगर पी का डायरेक्ट हम देखें यहाँ से, तो ये इसके पापा, और यहाँ से चलेगा ये, तो ये सास और ससुर का रिलेशन बिल्कुल निकलेगा, क्यों, क्योंकि वाइफ के साइड से है, ये इसके वाइफ के साइड से है, तो सास या ससुर का रिलेशन तो डेफिनेटली निकलने वाला है, बिल्कुल निकलेगा, सास या ससुर, ये तो होना ही होना है। देखिए सास हो गया या ससुर होगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जेंडर आपको नहीं मालूम है, ओके, ये दोनों हो सकता है, ओके। लेकिन एक जनरेशन क्या है, ऊपर चला गया है, तो जनरेशन जब ऊपर चला गया है तो दादा सास या ससुर आएगा, यहाँ तक तो सास ससुर जेन्युइन है, लेकिन अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हैं तो ये दादा सास या दादी सास ससुर हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, ये दादा वाला रिलेशन में चल जाएगा, ग्रैंड फादर में चल जाएगा, क्योंकि जनरेशन गैप ज़्यादा का हो जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे है इसकी वाइफ, वाइफ का ये पिता है, तो ये बिल्कुल ससुर होंगे, ओके। लेकिन ये जो जनरेशन है ये तो और स्टेप ऊपर चला गया है, यानी ग्रैंड फादर वाला जनरेशन चला गया है, इसीलिए आपका जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि यहाँ पे दिया रखा है ऑप्शन ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ, यानी दादा ससुर या दादी सास। ओके, ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज मत होइएगा, दादी सास क्यों नहीं होना है, क्योंकि देखिए इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेल है या फीमेल, और इस तरह क्वेश्चन आप मेरे साथ बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है चौथा का सेकेंड नंबर। इसमें दिखाता क्या है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है, ए बी की पुत्री है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ओके, डॉटर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ है, सॉरी पुत्र वधू है, पुत्र वधू, ठीक है, यानी बेटा का बीवी होगी, यानी आपके बेटा के बीवी को क्या बोला जाएगा, पुत्र वधू बोला जाएगा, डॉटर इन लॉ। ओके, तो यहाँ पर दिखाना क्या है, ए एक पुत्र वधू है, यानी ए क्या है, ए है फीमेल, तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा और चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां पर ए एक फीमेल है। तो ए एट द रेट सी का मतलब क्या है, यहाँ पे एट द रेट यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, एम एट द रेट एन का मतलब है एम इज मदर ऑफ एन, लीजिए ये तो पहले ही फीमेल निकल गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, चलिए सोल्व करते हैं, ए एट द रेट सी का मतलब है ए इज मदर ऑफ सी, ए इज मदर ऑफ सी हो गया। C गुना D का मतलब क्या होगा, C गुना D का मतलब होगा यहाँ पर M गुना N का मतलब है M is husband of N, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर उल्टा नहीं लिखा हुआ है, M is husband of N, आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं पे उल्टा भी रहता है स्टेटमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है M is husband of N, यानी C is husband of D, C is husband of D, ये हस्बैंड है, इसका शादी करेंगे D से, ओके। एट द रेट बी, डी एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है, एम इज मदर ऑफ एन, यानी डी इज मदर ऑफ बी, ये हो गया बी। आपको दिखाना क्या है, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी ए इन, तो ये देखिए ये पुत्र वधू तो हो नहीं सकती है, ए इसका बेटा है, यहाँ पे अगर ये रहती ए तो ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये तो उल्टा हो गया है, ठीक है, ये तो सास बन जाएगी, हुई अगर देखें हम तो ये तो सास बन जाएगी, इसका भाई, तो बी का अगर देखें यहाँ पर ये तो बहुत उल्टा हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, बी एट द रेट सी, सी और ए, सी गुना ए, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा इसका जेंडर, तो यहाँ पर ए के बारे में आपको पता करना है, तो सी गुना ए का मतलब क्या है, यहाँ पे है गुना का मतलब, यानी एम इज हस्बैंड ऑफ एन, यानी ए औरत है, बिल्कुल औरत है, ये वाइफ हो जाएगी सी का। तो चलिए बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या है, एम इज मदर ऑफ एन, यानी बी इज मदर ऑफ सी, यानी बी इज मदर ऑफ सी हो गया। सी गुना ई का मतलब है, गुना में क्या था, यस हस्बैंड है, यानी सी इज हस्बैंड ऑफ ए, सी इज हस्बैंड ऑफ ए, सी इज हस्बैंड ऑफ ए, ये हो गया। तो यहाँ देखिए रिलेशन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बेटा के बीवी को पुत्र वधू ही बोलेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इसके आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आई थिंक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, यस क्वेश्चन नंबर फाइव, ये रहा आपका नेक्स्ट पैटर्न, ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये भी एक पैटर्न है। ओके, इसमें इक्वेशन दे रखा है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैटर्न दिख रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। ओके, तो ये सारे पैटर्न जो एग्जाम में आते हैं वो सब के सब हैं आपके सामने, और क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और इससे ज्यादा टफ नहीं आता है। ओके, तो देखिए बस डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन, ओके, और आपको जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना क्या है, इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट पी बिकम ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, ठीक है, पी बिकम ब्रदर इन लॉ, यानी पी क्या बन जाएगा, जीजा, पी को जीजा बनाना है, पी को जीजा बनाना है। चलिए तो काफी सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं, जीजा का रिलेशन तो काफी सिंपल होता है, सब कुछ समझते हैं, तो पी गुना आर, गुना का मतलब क्या है, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, यानी पी इज हस्बैंड ऑफ आर, ठीक है, उल्टा नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, पी इज हस्बैंड ऑफ आर, पी इज हस्बैंड ऑफ आर, लीजिए पी का शादी कराइए आर से, हो गया इसका शादी। ओके, R भागे T, R डिवाइडेड T का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है यहाँ पर M इज डॉटर ऑफ N, यानी R इज डॉटर ऑफ T, R इज डॉटर ऑफ T,
ओके अब यहाँ पे है यू। अब देखिए बनाना जीजा किसको है, पी को जीजा बनाना है, किसका भाई तो यू का। तो यू का जो पोजीशन है ये इसकी बहन, अगर इसका बहन बना दिया, यू को बहन बनाते हैं इसका, तो काम चल जाएगा। यानी यू का जो पोजीशन है ये डेफिनेटली इसके जस्ट बगल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और लकली ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टू सेम नहीं है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यू का जो पोजीशन है ये बिल्कुल और बिल्कुल यही हो सकता है, तभी जाके पॉसिबल है, तो ही जाके ये इसके जीजा बन पाएंगे, ठीक है। यानी ये जो टी हैं इनके साथ रिलेशन मदर फादर का हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टी और यू दिया हुआ है, ठीक है, इसी के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है, यहाँ पे आर से कोई स्कोप नहीं है। यानी जो है टी और यू के जो बीच में जो रिलेशन होगा, या तो टी पिता हो सकते हैं या इसके माता हो सकते हैं, तो चेक करना पड़ेगा आपको ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई कराएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस में मतलब क्या है, एम इज ब्रदर ऑफ एन, यानी अगर यहाँ पर प्लस रखते हैं तो टी इज ब्रदर ऑफ यू, ये तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई में क्या है, एम गुन एन का मतलब है एम इज हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है, यानी टी इज हस्बैंड ऑफ यू, ये तो इसकी पत्नी हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो ससुर हो जाएगी या सास हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो डिवाइड में चेक कर लेते हैं, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है एम इज डॉटर ऑफ एन, एम इज डॉटर ऑफ एन, यानी टी इज डॉटर ऑफ यू, ये तो और गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आप देखिए या इतना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं था, आपको बोले थे ना यहाँ पर ये इसके या तो पिता होंगे या माता जी होंगी, ठीक है, तो बस चेक करना था। यहाँ पर सिंपल सी बात है, एट द रेट देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे मदर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे डॉटर दिख रहा है तो होता नहीं, हस्बैंड दिख रहा है ये भी नहीं होता, ब्रदर दिख रहा है ये भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एट द रेट, यानी एम इज डॉटर ऑफ, सॉरी एम इज मदर ऑफ एन, यानी टी इज मदर ऑफ यू, टी इज मदर ऑफ यू, तभी जाके पॉसिबल था, तो ये इसके जीजा बन जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये इसका लास्ट पैटर्न है और इसके बाद कोई क्वेश्चन इस बेस्ड नहीं आ सकता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, जितना भी पैटर्न है भाई आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है, फिर इन ब्लैंक्स को भरना है। ओके देखिए करना क्या है इसमें, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि ए डी का चाचा बन जाए, ठीक है, ए को चाचा बनाना है, ठीक है, सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना होगा कि करना क्या है। तो ए प्लस बी स्टार्ट हो जाइए, ए प्लस बी का मतलब है एम इज ब्रदर ऑफ एन, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, लीजिए बी का भाई बना दिए। ओके बी गुना सी का मतलब क्या है, गुना कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी एम इज हस्बैंड ऑफ एन, यानी बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, इनका हो गया शादी सी से, लीजिए भाई सी से शादी करा दिए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है डी। अब देखिए आपको यहाँ पर ए चाचा बनेगा किसका, डी का, ये देखिए यहाँ पे तो दोनों भाई भाई हो गया, ये भाई की बीवी है यानी भाभी, अगर यहाँ से देखे तो ये इसकी भाभी हो गई, ये बी इसका भाई है, ये इसकी भाभी हो गई। ओके अब डी को भतीजा बनाना है, ये चाचा बनेंगे, डी बनेंगे भतीजा, तो डेफिनेटली इसका या इसका दोनों में से किसी एक का बेटा होगा, बिल्कुल बेटा होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये चाचा बनेंगे, ठीक है, यानी इनका बेटा ही होगा, बेटा या बेटी व्हाटएवर, यानी ये दोनों माता या पिता बन सकते हैं, व्हाटएवर, पिता तो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी माता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी एट द रेट करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इनका बच्चा ही कोई डी होगा तभी जाके ए इसके चाचा बनेंगे, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। ओके तो ये टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो गया, कोडेड रिलेशनशिप आपका 100% कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन और इससे अलग पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आता है और आगे नहीं आएगा, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर क्वेश्चन कहीं दिखता है इससे अलग तो आप जरूर कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को और हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई इससे अलग होगा ही नहीं। देखिए पॉइंटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, यानी ये टॉपिक काफी सिंपल होता है। ओके बस कुछ वर्ड का टर्म्स है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको समझ लिए तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में आपको बोले हैं कि यहाँ पर आपको नहीं बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं,
बाकी रहा कुछ वर्ड का मीनिंग समझाना, वो हम सब कुछ समझा देंगे आपको। एक क्वेश्चन करा देते हैं, अगला क्लास में एक टॉपिक 100% कंप्लीट कर देंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में है क्या? Wanting to a woman, a man says, ओके, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ओके, आपको बोले हैं कि इसमें फैमिली ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, चलिए ठीक है, ये एक महिला है, ये एक महिला है, ठीक है, लगा दीजिए चोटी वगैरह, यस ये एक महिला हो गई, सॉरी हम फिगर तो अच्छा बना नहीं सकते हैं। ओके, बस समझाने के लिए था, इसको इशारा करते हुए क्या बोल रहा है एक आदमी, एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र का, ठीक है, इसके बेटा, वह मेरे पुत्र का, ये मेरे बेटा का, मेरा बेटा हो गया, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे, मेरे पापा, अगर आप अपने सोच रहे हैं तो मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे, मेरे पापा होंगे, कि इकलौती पुत्र वधु, यानी इनकी इकलौती पुत्र वधु। अब देखिए इस पूरे कहानी में जो भी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दूसरा कहीं नहीं बोला गया है कि मेरा कोई भाई है, ठीक है, तो यानी मेरा कोई भाई नहीं है, यानी इनके जो इकलौती जो पुत्र वधु होगी, डॉटर इन लॉ होगी, जो पतोह जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कौन हो सकती है, बिल्कुल मेरी वाइफ हो सकती है। तो ये जिसके बारे में बोला जा रहा है ना, वो कोई और नहीं है, वाइफ है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को आपको समझने का देर है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत होता ही नहीं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में और इस टॉपिक को हम करेंगे कंप्लीट, पॉइंटिंग फॉर्म को अच्छे से। ओके, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।